जहीर खान यांच्या माध्यमातून, ज्यांनी जहीर खान यांचा जर विचार केला भारतीय क्रिकेट विश्वासाठी त्यांचं मोलाचं योगदान राहिलेलं आपण पाहतोय. निश्चितच रकीब मिर्चा यांचा जर विचार केला तर निश्चितच मराठा पंजाब संघ असो, इंडियन संघ असो, त्यानंतर जर मराठा पंजाब संघ असो, नेहमीच प्राथमिक योगदान दिलेलं आपण पाहतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर दी विकेटचा मारा, यावेळेसमध्ये चेंडूला दिशा दिली जाते, चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. चेंडूची फेकी येईपर्यंत दोन्ही फलंदाज सहज आणि सुरक्षितरित्या दोन धावा पूर्ण करताना आपण पाहतोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावरती 2 धावा. फलंदाज निहार याला आपण पाहतोय, त्याच्या समवेत फलंदाज मोहिल याला आपण पाहतोय नॉस्टाईक एंडला. तर निश्चितच एक चांगला संघ आणि एक चांगली संघ बांधणी पाहायला मिळते जॉली स्पोर्ट्स कामत घर या संघाची. गोलंदाज तयार. यावेळेस मात्र हुक केला चेंडूला, चेंडू मात्र हवेत आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक झेल घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय, पण मात्र पाहिलं तर चेंडू मात्र वळण घेताना आणि विचार केला गेला तर सुंदर आणि बिटवीन द विकेट चित्ताची चपळाई पाहायला मिळते. अशा रीतीने जर पाहिलं तर धावसंख्या पुढे सरकताना आपण पाहतोय 3 धावा या चित्त्याच्या चपळाईने पूर्ण केल्या जातात. 5 धावा फलकावरती आपण पाहतोय. 5 रन्स ऑन दी बोर्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट्स. यस नो वेटची भूमिका किती महत्त्वाची आहे या 3 धावांमध्ये आपल्याला ही पाहायला मिळते आणि निश्चितच एक चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहतोय. 3 धावा इथून मात्र पूर्ण केल्या जात आहेत. 3 धावांनी धावफलक पुढे सरकेल. 5 धावा. गोलंदाज रकीब मिर्झा ऑन दी बॉलिंग मार्कवरती. पुढचा चेंडू. यावेळेस मात्र जर पाहिलं चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होताना डाऊन द ग्राउंड चेंडूचा पाठलाग केला जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण. तत्पूर्वी 2 धावा या पूर्ण केल्या जात आहेत आणि या 2 धावांनी धावफलक मात्र पुढे सरकताना 7 धावा फलकावरती लागल्या जात आहेत. निश्चितच एकेरी दुहेरी धावांनी जर आपण पाहिलं तर क्रिकेटचा श्वास आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्रिकेटची जीवनवाहिनी जर आपण पाहिली तर निश्चितच एकेरी दुहेरी धावसंख्येने डावाला आकार देण्याचं काम दोन्ही फलंदाज करत आहेत. पुढचा चेंडू. यावेळेस मात्र सन्मान दिला जातो चेंडूला. बॉलवर बॅक ड्राईव्ह आपण पाहतोय तर 1 धाव मिळेल आणि 1 धावाने धावफलक मात्र पुढे सरकताना धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावरती. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती 8 ही आकड्यावरती. 8 रन्स ऑन दी बोर्ड. तर निश्चितच 8 ही धावसंख्या जर आपण पाहिली तर या स्पर्धेमध्ये एक फिजिकल फिगरसुद्धा राहिलेली आपण पाहिली तिसऱ्या दिवसामध्ये. गोलंदाज तयार. रकीब मिर्झा ऑन दी बॉलिंग मार्क सज्ज होताना. यावेळेस मात्र स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, पण मात्र चेंडू त्या वेगाने निघून गेला. फलंदाज जर पाहिलं तर थोडंसं डबल माइंड होताना आपण पाहिलं, कारण की शेवटच्या क्षणी चेंडूला सोडून दिलं गेलं आणि चेंडू मात्र निघून जातोय निर्धाव. तर अशा प्रकारे 8 धावा फलकावरती आहेत आणि निर्धाव चेंडू हाताळला जातोय गोलंदाज रकीब मिर्झाच्या बॉलिंग मार्कमधून. आपण पाहतोय पुढचा चेंडू. गोलंदाज तयार. सिटी क्रिकेटचा घमासान आपण पाहतो. यावेळेस मात्र स्वीट व्हॉइस ऐकायला मिळेल. चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होताना आपण पाहतोय टिप मिड विकेट सीमारेषा बाहेर चौकार. तर 1 षटकाखेर धावसंख्या फलकावरती पाहतोय. 12 धावा फलकावरती आहेत. लॉस ऑफ 0 विकेट्स. एकाही गड्याचं पतन अजूनपर्यंत झालेलं नाही, म्हणजे एक चांगली सुरुवात जॉली स्पोर्ट्स या संघाला मिळालेली आपण पाहतोय. येणाऱ्या दिवसामध्ये जॉली कपसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. डे नाईट ची टुर्नामेंट ही निश्चितच स्पर्धकांसाठी आणि प्रेक्षकांसाठी मेजवानी म्हणून आपण पाहू शकतो. तर गोलंदाज तयार होताना बॉलिंग मार्गवरती सज्ज होताना मुनाफ शेख. मुनाफ शेखबद्दल बोलायचं झालं तर निश्चितच एक त्याची लाजवाब खेळी आपण पाहिली तर धनेश इलेव्हन संघाविरुद्ध खेळताना. त्यावेळेस मात्र मुनाफ याला जर आपण पाहिलं तर बी इंडियन संघामधून खेळत होता आणि ज्या पद्धतीने पिसं काढली होती धनेश इलेव्हन संघाची अप्रतिम फलंदाजी. ऑलराऊंडरची भूमिका या गोलंदाजाकडे आहे आणि तीच भूमिका इथून मात्र या मापोली ट्रॉफीमध्ये बजावायची आहे.
महापौली ट्रॉफी 2020 मध्ये पुनश्च एकदा उपस्थित सर्व प्रेक्षकांचं क्रीडारसिकांचं मान्यवर पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत स्वागतम सुस्वागतम। नापसे कंदे बॉलिंग मार्क वरती सज्ज होताना राईट आर्म वरती विकेटचा मारा पुढचा चेंडू। यावेळेस मात्र पॅड स्वीप केलंय चेंडूला, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि सात चोपा झेल समाप्त केला जाईल फलंदाज बाद। तर फलंदाज मोहिल बाद होताना पण बाद होईल निश्चितच, सॉफ्ट डिसमिसल पाहायला मिळालं ज्या पद्धतीने गोलंदाज मुनाफ शेख यांनी पहिला चेंडू हाताळला, तर निश्चितच जे पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता त्याच्यामध्ये या व्यूहरचनेमध्ये फलंदाजाला फसवलं गेलं पण पाहत होय। तर अशा प्रकारे दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती विकेटचं पतन होताना आपण पाहतोय, 12 चेंडू 1 बाद अशी स्थिती। गोलंदाज तयार बॉलिंग मार्कवरती आपण पाहतोय राईट आर्म वरती विकेटचा मारा पुढचा चेंडू। यावेळेस मात्र पाहिला तर उसळी घेणारा चेंडू खराब, यष्टी रक्षण आणि एक धाव जर पाहिली तर निश्चितच फलंदाजाकडे वेळ होता, 1 फॉर दी ओव्हरचा इशारा करतात पंच शकील कोटी सर आणि अशा रीतीने एक धाव मिळेल या एका धावीच्या सहाय्याने 13 धावा फलकावरती इथून मात्र अर्जित केल्या जात आहेत। 13 धावा 1 बाद अशी स्थिती चोली स्पोर्ट्स कामतघर या संघाची। तर निश्चितच फलंदाजीला इथून मात्र चांगली सुरुवात करावी लागेल नवीन फलंदाज राकेश ऑन द बॅटिंग मार्कवरती सज्ज होताना। यावेळेस मात्र चेंडूला दिशा दिली जाते आणि निश्चितच पाहिलं तर एक टप्प्या अखेर चेंडू मात्र निघून जाईल चौकार। चौकाराच्या सहाय्याने धावसंख्या जाऊन पोहोचेल फलकावरती 17 धावा 17 रन्स बोर्ड लॉस ऑफ 1 विकेट। एक चांगलं योगदान देण्याचा प्रयत्न करतोय राकेष, जी सुरुवात मिळाली होती पहिल्या षटका अखेरीस इथून मात्र फलंदाज राकेष याच्यावरती जबाबदारी येऊन ठेपताना चांगला फटका पाहायला मिळाला, फक्त दिशा दिली चेंडूला आणि अशा रीतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचेल फलकावरती आपण पाहतोय 17 धावा गोलंदाज तयार। यावेळेस मात्र अराउंड द लेग क्लीन बोल्ड मात्र पडले जाते तर नवीन फलंदाज ऑन द बॅटिंग मार्कवरती सज्ज होताना अरविंद रविंद याला कोण विसरेल सिल्वर जुबली मेअर कपमध्ये प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटचा किताब हा त्याच्या माध्यमातून पटकावला गेलेला पाहायला मिळाला। ऑलराऊंडरची भूमिका जॉली स्पोर्ट कामतघर या संघाकडून आपण खेळताना त्याला पाहतोय पुढचा चेंडू। यावेळेस मात्र जोरदार प्रहार निश्चितच, चेंडू मात्र बॅटच्या आतील बाजूला स्पर्श करून निघून जातोय एका धावेसाठी, सुंदर ड्राईव्ह पाहायला मिळाला पण निश्चितच एका धावेने अरविंद आपलं खातं उघडताना संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल फलकावरती जर आपण पाहिली तर 18 धावा 18 रन्स ऑन दी बोर्ड आपण पाहतोय निश्चितच। अरविंद नॉसाईक एंडला इथून मात्र पाहायला मिळेल आणि फलंदाज निहाल याचा जर विचार केला तर अजूनही स्ट्राईक याला आपण पाहतोय
सुरुवातीचा फलंदाज एक फलंदाज बाद झाल्यानंतर जबाबदारी आता मात्र निहाल स्वतः स्वीकारताना गोलंदाज तयार मुनाफ शेख ऑन द बॉलिंग मार्क. यावेळेस मात्र ऑन द राईज चेंडू पाहायला मिळाला, उसळी घेणारा चेंडू पाहायला मिळाला. फलंदाजाच्या डोक्यावरून चेंडू मात्र निघून जातोय. निश्चितच जर पाहिलं तर निर्धाव चेंडूची सांगता समाप्ती होताना अशा प्रकारे दोन षटका अखेर धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावरती 18 धावा 18 रन्स ऑन दी बोर्ड आपण पाहतोय. आणि निश्चितच विचार केला तर एक चांगली गोलंदाजी मुनाफ शेखच्या बॉलिंग मार्कमधून आपण पाहताना या विकेट षटकामध्ये जर पाहिलं तर दोन गड्यांचं पतन झालेलं पाहायला मिळालं आणि जी धावसंख्येला लगाम लावण्याचं काम मुनाफ शेखच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. अठरा धावा फलकावरती आपण पाहतोय. दोन षटका अखेर दोन बाद अशी स्थिती जॉली स्पोर्ट कामतगारी या संघाची पाहायला मिळते. गोलंदाज यासिर अंदी बॉलिंग मार्कवरती सज्ज होताना जबाबदारी जर पाहिली तर ज्या पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या 12 धावा आणि दुसऱ्या षटकामध्ये जर आपण पाहिलं तर 6 धावा आल्या. आणि या एकूण इनिंगचा जर विचार केला तर धावसंख्या आता मात्र फलकावरती आहेत 18 धावा. एक चांगली गोलंदाजी मराठा पंजाब संघाच्या गोलंदाजाने केलेली आत्तापर्यंत आपण पाहतोय. अवंतर चेंडूचा जर विचार केला तर एकही अवंतर चेंडू आत्तापर्यंत हाताळलेला नाही आहे. गोलंदाज तयार बॉलिंग मार्कवरती यासिर. यावेळेस मात्र जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न चेंडू मात्र उचळी घेताना गोल्डन स्पॉटचा अचूकरित्या इथून मात्र वापर केला जातोय. गोलंदाजच्या माध्यमातून आपण पाहतोय यासिर याच्या माध्यमातून अप्रतिम गोलंदाजी. जागते रोहितचा आदेश इथून मात्र दिला जाईल फलंदाज अरविंद याला. निहाल अजूनही आपण पाहिलं तर नॉनस्ट्राईक एंडवरती सज्ज आहे पुढचा चेंडू. यावेळेस मात्र जोरदार प्रहार स्वीट वॉईस ऐकायला येतो. चेंडू मात्र ड्राईव्ह केला जाईल डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. तत्पूर्वी चेंडूची फेकी येईल आणि 2 धावा सहज गतीने पूर्ण केल्या जातात आणि या 2 धावांच्या सहाय्याने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 20 या आकड्यावर. 20 रन्स ऑन दी बोर्ड. निश्चितच एकेरी दुहेरी धावांनी क्रिकेटची जीवनवाहिनी जर आपण पाहिली तर त्याच गतीने धावसंख्या ही पुढे नेण्याचं काम इथून मात्र केलं जाते. गोलंदाज तयार बॉलिंग मार्कवरती यासिर पुन्हा एकदा सज्ज होताना आपण पाहतोय. यावेळेस मात्र पूल करण्याचा प्रयत्न चेंडूला. चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होताना आपण पाहतोय डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा जर आपण पाहिलं तर 2 धाव घेण्यात यशस्वी. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. जिथे 2 धावा होत्या तिथे अजून एका धावेचा बोनस आपण पाहतोय ओव्हरथ्रोच्या माध्यमातून. आणि धावसंख्या इथून मात्र पुढे सरकेल 23 धावा फलकावरती लागल्या जात आहेत. तर 23 धावा फलकावरती आपण पाहतोय. 3 चेंडू अखेर एकेरी दुहेरी धावांनी धावसंख्येला आकार देण्याचं काम दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून इथून मात्र केलं जाईल. निश्चितच विचार केला तर उसळी घेणारा चेंडू आणि गोलंदाज थोडासा इंजर्ड होताना आपण पाहतोय. यासिर शेख फास्ट और फ्युरियस गेंदबाज आहे और पिछली गेंद बहुत ही खतरनाक बाउंसर गेंद थी, काफी तेज रफ्तार थी. आइए देखते हैं अपना संतुलन खो बैठे थे वहां पर, लेकिन बहुत तेज गेंदबाज है तालुका क्रिकेट के सबसे. ये देखिए कितना खतरनाक बाउंसर था कि बैट्समैन का बल्ला घूमने से पहले ही गेंद निकल गई थी. यासिर शेख बहुत ही झिंझारू लड़ाऊ क्रिकेटर हैं और वाकई में क्रिकेट में एक्साइटमेंट और जोश तो पैशन होना ही चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ. बहुत ही तेज गेंद थी जो निहार के बिल्कुल कानों के पास से चली गई थी.
निश्चितच उसळी घेणारा चेंडू रिप्लेमध्ये पुन्हा एकदा आपण पाहू शकतो कशा रीतीने गोलंदाज थोडस जायबंदी होताना गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा जर पाहिला तर वळण घेणारा चेंडू पाहायला मिळतोय. हमारे ऑफिशियल स्कोरर जॉली कामतकर के करण काटेकर ने जॉली को ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन अभी भी एक अच्छा टोटल मैं कहूँगा क्योंकि जॉली के अमोल पाटिल विकेट टेकर गेंदबाज इस सीजन में रहे. गोलंदाज तैयार बॉलिंग मार्क वरती सज्ज होताना या षटका मध्ये विचार केला तर अप्रतिम गोलंदाजी केली यासीर यांनी. यावेळेस मध्ये खुदून काढला जाईल चेंडूला. चेंडू मात्र पुन्हा एकदा ट्रॅव्हल होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. चेंडूची फेकी योग्य पद्धतीने आणि इथून मात्र पंचांचं बोट आकाशात वर येताना फलंदाज बाद होतोय. आपण पाहिलं तर 24 या धावसंख्येवरती आता मात्र तिसऱ्या विकेटचं पतन होईल जॉली स्पोर्ट कामतघर या संघाचं. तर अशा रीतीने 3 षटकांची अखेर होते आणि धावसंख्या फलकावरती आहेत या 24 धावा. या पुढील 3 षटकांसाठी आमंत्रित करतोय सिदिक भावे सर. बहुत बहुत धन्यवाद रोहन पाटील जी जो रंग भर रहे हैं मराठी कॉमेंट्री से मापोली ट्रॉफी में. इस वक्त परेश पड़ा डानगांव ने जो मराठा पंजाब के बिग फैन है मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. भूषण मात्रे ने गुंदोली से ऑल द बेस्ट कहा है. गणेश मलक ने भी ऑल द बेस्ट कहा है मराठा पंजाब को. और विनायक पाटिल और सूरज एस के शेलार ने मराठा पंजाब को शेलार से ऑल द बेस्ट कहा है मराठा पंजाब को. बैक टू क्रिकेट. 3 ओवर की समाप्ति 24 रन बने 8 का करन रन रेट. नए बैट्समैन एक्सपीरियंस कंपेनर अमोल पाटिल बल्लेबाजी को आए हैं इस सीज़न में. गेंदबाजी में अमोल पाटिल वाकई में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. अब बल्लेबाजी करना है और गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से लगाया गया है गेंदबाज साकिब खान. आपको तो पता होगा कि रत्नागिरी में क्या गेंदबाजी की थी साकिब खान ने और क्या बल्लेबाजी की थी. जुल्कर लोनबाल और अल्तमश लोनबाल ने भी बोडोली कैंप से मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. खेल की शुरुआत होती भी 3 खिलाड़ी सर्कल में शॉट फाइन लेग पे औकिया शॉट थर्ड मैन पर मुनाफ है और पॉइंट को अब पीछे किया गया है. रकीब मिर्जा थर्ड मैन बाउंड्री पे जा रहे हैं और लॉन्ग ऑफ को अंदर बुलाया गया है. परेश आए हैं वहाँ पर गेंदबाजी करते हुए साकिब खान. 2 मरतबा बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट साकिब खान. 3 मरतबा उसामा और 2 मरतबा विवेक शेलार. साकिब खान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस मरतबा टर्न होने दिया. बहुत खूबसूरत कट शॉट दूर से पहुंचे वहां पर यासिर 2 रन बनाए. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक गेंद की मेरिट पे खेलते हुए अमोल पाटिल. 2 रन से अमोल पाटिल ने खाता खोला. जॉली का स्कोर 26. जॉली कप 1 तारीख से 8 तारीख तक रहेगा आखिर में दिन और रात की रोशनी में. अरफात और वकास ने भी मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. अरफात पटेल और वकास पटेल. हर्षल कासार और यश भाई ने ऑल द बेस्ट कहा है मराठा पंजाब को. इस मरतबा बढ़िया गेंद घूम कर गई विकेट कीपर के पास. साकिब की ये खासियत है कि वहीं से स्पिन करते हैं और बीच बीच में बहुत ही तेज़ यॉर्कर डालते हैं. यही कारण है कि इस सीज़न में साकिब की गेंदबाजी में काफ़ी धार है. अगली 2 टीमों को टॉस के लिए आना है. बंटी स्पोर्ट निले देसले फैम टीम और ब्लैक कैप शाही शेख फैम टीम. गेंद को आने दिया स्टीयर किया डीप थर्मेन पे खिलाड़ी है रकीब मिर्जा. 1 रन. फील्डिंग कितनी अच्छी लगाई है. थ्रो बहुत अच्छा पहुंचा था किंग ऑफ प्यूंडी क्रिकेट बिलाल शेख. बिलाल शेख इस ग्राउंड के एवर हिट प्लेयर रहे हैं. मापोली क्रिकेट ट्रॉफी में अर्धशतक भी लगा चुके हैं. भावेश पवार को 5 गेंदों में 5 सिक्सर भी इस ग्राउंड पे लगा चुके हैं और इस ग्राउंड के वाकई में वो किंग है. किंग ऑफ प्यूंडी बिलाल शेख. तो ही शेख ने मापोली से दानिश काजी को ऑल द बेस्ट कहा है. बैठक शॉक के माहिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए. बढ़िया गेंद क्या घुमाव था तेज किया था बाउंस भी था. पिच एंड बाउंस एंड प्लेन मिस. अरविंद के कुछ भी समझ में नहीं आया था गेंद ने कब टिप्पा खाया और कब निकल गई. यही उनकी स्पेशल
डिलीवरी है साकिब खान, फिर से अच्छी गेंद, अंधाधुन खेलने की कोशिश, बॉलिंग जो कर रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत बॉलिंग कर रहे हैं साकिब खान। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 27 रन, और इस ओवर में केवल 3 रन दिए, फिर साबित कर दिया कि वो मराठा पंजाब की तोप खाने में सबसे बड़ी तोप क्यों है गेंदबाजी की। बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन और ब्लैक कैप के कैप्टन, दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स में आके बैठना है। बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन और ब्लैक कैप के कैप्टन, देखिए आपका अगर मैसेज का नंबर नहीं आया तो फ़ोन कॉल ना करें प्लीज़, जितने पढ़े जा सकते हैं मैं पढ़ रहा हूँ। मुदस्सिर सूसे और राजू ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है बिलाल शेख को और साकिब खान को। गेंदबाजी के लिए यासिर शेख को कंटिन्यू रखा गया है। यासिर शेख फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर, हियर ही गो फेसिंग हिम अमोल पाटिल। दिस इज द गुड बैटल, अमोल पाटिल इज द सीनियर कंपेनर। हियर गोज यासिर शेख, राइट आर्म राउंड विकेट, चार्जिंग फ्रॉम हियर, बोस टू अमोल। दिस टाइम ट्रेवन ऑन द ऑन साइड, डेगो फॉर वन, लुकिंग फॉर अ सेकेंड, इन कम थ्रो फ्रॉम बिलाल शेख, इनफ टाइम, बैट्समैन गेट्स टू। निश्चित प्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट अपन पात हो, धाव संख्या जब बोलते फलका अपन पात हो 29 धावा। अर्जुन कासार आल्सो ऑल द बेस्ट फॉर मराठा पंजाब। यासिर शेख राइट आर्म राउंड विकेट, गोस पास अस, बॉल दिस टाइम ब्यूटीफुली प्लेड, टकिंग ऑन द ऑन साइड, मिडल ऑफ द बैट, फंबल डियर, कुड बी क्लोज, नो, वेरी वाइड रिटर्न फ्रॉम दानिश काजी एंड बैट्समैन टेकन 3। This is the good running between the wicket. These two experienced companion of Jolly Kamatkar. 3-2 total now. His score was up to 32 for the loss of 3 wickets. जर पाहिलं या चेंडूवरती निश्चितच जेव्हा जेव्हा संधी मिळते तेव्हा तेव्हा 3 धावा घेण्यापासून रोखलं जात नाही फलंदाजांना, पण एक चांगली फलंदाजी आता मात्र आपण पाहतोय। राइट आर्म राउंड विकेट, बॉल दिस टाइम मिस्क्यू स्ट्रोक इंडीड बिकॉज द फास्टर वन फुल टॉस बॉल बाय यासिर, इन कम थ्रो, फाइनली बैट्समैन टेकन 2। दिस इज द वर्स्ट क्रिकेट, दिस इज द वर्स्ट फील्डिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम मराठा पंजाब, 2 टाइम देयर इज अ सिंगल एंड बैट्समैन टेकन 3, सो नॉट हैप्पी, कैप्टन इज देयर मुनाफ शेख, वेरी वरीड देयर बिकॉज 2 टाइम्स 3 रन्स taken by these two, good running between the wicket and his score was up to 35 for the loss of 3 wickets. Afan Patel and Maurice Kute, all the best for Maratha Punjab and all is well. Yasir Sheikh, the fast and furious bowler, but not happy. Fielding is poor from Maratha Punjab in previous balls. This time, no elevation behind the stroke. Punched as ball. Atish Patel is there. Once more fumble and 2 runs taken by the batsman. This is the poor fielding from Maratha Punjab. Naushad Khan and SB Sport, all the best for Munaf Sheikh and Bilal Sheikh. So his score was up to 37. Now runs coming in this over, but Yasir is very unhappy man. Fielding is ordinary, but bowling is still extraordinary. Here he go, charging from here. Oh, try to York, but equally driven nicely. Firmly driven, Bilal Sheikh is there. One small batsman taken 2. This is the quality running between the wicket by 2 experienced companion of Jolly. So 2 more to total now. His score was up to 39 for the loss of 3 wicket. Chinu Patil, all the best for Jolly.
Now Jolly looking from here nearest 50 plus. Yasir Sheikh. Right arm round wicket. Oh, beauty. Beauty, faster one and this Amol Patel. What a delivery. And that marks end of the fifth over. Jolly Sport losing a toss, batting first here. 39 for the loss of 3 wicket. 5 over ki samapti 39 run. Abhi bhi achha total nahi. Jis tarah is ground pe Munaf Sheikh ke record hai. Jis tarah is ground pe Baba ke record hai. Jis tarah is ground pe Bilal Sheikh ke record hai. Agar hum Bilal Sheikh ki taraf dekhte hain, to is ground pe sabse achhe kisi ke record hai. तो बिलाल शेख के यतीश शेलार जुड़ चुके हैं टीम के कैप्टन वेलकम और ब्लैक कैप शाही शेख फेम टीम के कैप्टन आपको जुड़ जाना है 16 तारीख को सुपर संडे में कौन बनेगा विजेता ग्रामीण से और कौन सिटी का 18 और 19 तारीख को आप देखने जा रहे हैं जय हनुमान ट्रॉफी गोवे उसके बाद 20 और 21 को धनेश कुकसे का बिग शो पांडुरंग धर्मा पाटिल भिवंडी के विजय मालिया उसके बाद आप देखेंगे 22 23 और 24 काटई की देन गावदेवी चषक काटई 22 23 और 24 25 तारीख से यासिर शेख रकीब मिर्जा जमशेद का बिग शो परशुराम टावड़े स्टेडियम पर अल्लामा शिबली नौमानी ट्रॉफी 1 तारीख से जॉली का शो शुरू होगा 8 तक 12 से 17 बालाजी कप दयानंद चोड़के और जीतू मानेरकर की देन और 22 और 23 21 और 22 इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है बीट्स बैट्समैन बीट विकेट कीपर 4 वाइट के रन और 23 तारीख को आप देखने जा रहे हैं आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2020 जिसने बाली ट्रॉफी नहीं खेला उसने क्रिकेट नहीं खेला और जिसने नहीं देखा उसने टेनिस क्रिकेट नहीं देखा साकिब खान की गेंद ऊपर लगी है सीधा मुनाफ शेख के पास अपील वहां पर लेकिन अंपायर सहमत नहीं शोल्डर से गेंद गई थी रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने यस शोल्डर से गेंद गई थी अजीम हमदुल्ले भी दिखा रहे हैं रिप्ले में हम देखना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था आइए देखते हैं अच्छा उछाल था आंखें मूंद ली थी यस अच्छा डिसीजन अंपायर हॉट अंपायर शकील कोटी और अंपायर अजीम हमदुल्ले का राजू ने कल्याण रोड से दोनों टीमों को टिकटॉक मैन दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है लेफ्ट आर्म राउंड विकेट साकिब इस मरतबा फ्लिक करने की कोशिश अटपटे अंदाज में चुरा लिया है तुमने जो रन को लेख भाई एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रनों पे पहुंचा है 46 तौफीक बुरे और साहिल बुरे ने बिलाल शेख को ऑल द बेस्ट कहा है इस ग्राउंड के एवर हिट प्लेयर रहे हैं बिलाल शेख बढ़िया बाउंसर और रन पूरा हुआ देखने बल्ले से टकराई थी गेंद वाइट ज्यादा ऊंचा था सही निर्णय अंपायर का बैट्समैन की रीच के बाहर ये बाउंसर था दो रन स्कोर में आते हुए स्कोर 48 पे पहुंचा है आज हम पहली मर्तबा अमित सालवी को अंपायरिंग करते देख रहे हैं इस मरतबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है फील्डर उसके नीचे और कैच छूटा सपना टूटा गेंद पीछे सरक गई 4 रन मौका भी दिया और चौका भी दिया इस चौके की मदद से
52 रन। आप चुनौतियां मराठा पंजाब के सामने रख दिए क्योंकि डे तोड़ चल रहा है। और अगर हम बात करें जॉली की गेंदबाजी की तो उनके पास भी बहुत मजबूत गेंदबाजी है। बिलाल शेख से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि इस विकेट के और इस ग्राउंड के बिलाल शेख सभी ट्रॉफीज को उठा के देखिए एवर हिट बैट्समैन रहे। अंबाड़ी से राहुल वेखेंडे ने मापोली ट्रॉफी को शुभकामनाएं दी हैं, धन्यवाद आपका। रामदास चौगले ने शिवसेना शाखा प्रमुख शांतिनगर ने मापोली ट्रॉफी और कमेंट्री पैनल को शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही साथ अशोक शेट्टी ने भी दिए। रईस शेख ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन ये रईस शेख मापोली के हैं ना कि आमदार रईस शेख। जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ को राजू कामले मिथुन कामले ने और कमेंट्री पैनल को ऑल द बेस्ट कहा है। चिन्नू पाटिल ने जॉली को ऑल द बेस्ट कहा है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बहुत खूबसूरत गेंद, बल्ले के करीब से गई, पिछले पांव पे चले गए थे, इरादे और बल्ले दोनों को बीट करती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, बहुत ही खूबसूरत गेंद। ब्लैक कैप के कैप्टन शाही शेख फैम टीम, बल्ले का किनारा लेकर बढ़िया सेव किया औकिया ने। औकिया भी तो वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक इनिंग में 29 रन बनाए और लेट आत्माराम गुलवी ट्रॉफी में मराठा पंजाब के जब 5 विकेट गिरे 6 तो उन्होंने 29 रन बनाए और टीम को फाइनल की राह दिखाई। औकिया अक्सर 12वें खिलाड़ी रहते हैं, आज मैदान में। मोइन भूरे ने बिलाल शेख को ऑल द बेस्ट कहा है। इस मरतबा खींच के मारा है, बढ़िया शॉट, स्कोर लेके ऊपर 6 रन। ब्लैक कैप के कैप्टन शाही शेख फैम टीम, ब्लैक कैप के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। दोस्तों तैयार हो जाइए आसिफ कल्लन को देखने, जादूगर गेंदबाज शाही शेख को देखने, और सामने चुनौतियां रहेंगी पड़गा और उसकी परिसर के स्टार खिलाड़ियों की जिन्होंने सीएम कप में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, साथ ही साथ एमआईएम ट्रॉफी में भी लाजवाब क्रिकेट खेला। यतीश शेलार वहाँ पे आए, ब्लैक कैप के कैप्टन आपको आना है और टॉस करने जा रहे हैं कमेंट्री की जान मजर खान। तो आइए दोस्तों टॉस होने जा रहा है, इस वक्त खेलने वाली टीम है बंटी स्पोर्ट्स और ब्लैक कैप्स। हमारे बीच में इस वक्त शोभान पटेल है, मैं उनसे कहूँ आपको टॉस के लिए आना है। शोभान पटेल, ये सिक्का मैं आपको बता दूं, एक तरफ है सरफराज भूरे और दूसरी तरफ है माफुली ट्रॉफी। सरफराज भूरे कहना इस वक्त ब्लैक कैप्स का, और आया भी है ब्लैक कैप्स ने ये टॉस जीता है, आया है सरफराज भूरे, ये सिक्का आपको देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त मेरे साथ है शादाब शेख। शादाब, आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग करना चाहेंगे। फील्डिंग करने का कारण हम जान सकते हैं? हमारे पास अच्छी बॉलिंग है, वो हिसाब से फील्डिंग ही करेंगे। देखिए आपके पास सभी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन ये बड़े मुकाबले में आपको कौन से गेंदबाज से ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? है निनाद है, विगू है, और भी है बॉलर। ये बताइए कि शाहिद शेख और आसिफ कल्लन से कितनी उम्मीद रहेंगी? हाँ वो बड़े प्लेयर है, उनको तो 100% देना ही होगा। क्या कहेंगे मापोली ट्रॉफी के बारे में आप? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन है, टॉस आपने हारा है, आपको इस वक्त बल्लेबाजी दी गई, तो आप टॉस जीतते तो आप क्या करते? मैं फील्ड करने वाला था, लेकिन इस वक्त बल्लेबाजी दी गई, कहाँ तक जाना चाहेंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए?
60 के ऊपर जाना चाहिए। यतीश एलर कसा वाटतो मापोली ट्रॉफी मध्ये? खूप छान वाटतंय आणि खूप खेळायला आनंद वाटतंय। काय टीम पुढी ताकत ने आले? हो नक्कीच। आणि कोण ट्रम्प कार्ड राहील? सर्वच प्लेयरांकडून ट्रम्प कार्डचा अपेक्षा करणार। ते काटी टटीचा सामना होईल? हो नक्कीच। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त टॉस को जीता है ब्लैक कैप्स के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। अक्षय पाटिल कुकसे ने औक्या को ऑल द बेस्ट कहा है। मराठा पंजाब के औक्या बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। इसके बाद जो मुकाबला है जहां पर ब्लैक कैप ने टॉस जीता है, बंटी स्पोर्ट्स को दावत दी है। आखिर में हम देखेंगे तारिक रईस फैम टीम जैलीज और नवनाथ जानी फैम टीम जानी स्पोर्ट। कल दोस्तों क्या रहेगा मापोली ट्रॉफी में, कौन से धमाका टीमें करने जा रही है? कल बरोज 14 तारीख और 14 तारीख को सुबह 9 बजे पहला मुकाबला रहेगा। व्हाट अ मैच, साइंस स्पोर्ट खारवा और युतिका, महेंद्र पाटिल फैम टीम और नवनाथ और भरत पाटिल फैम टीम। कल दूसरा मैच अल्ताफ बाली फैम टीम पाइनियर और एनजे 11 के बीच में। कल तीसरा मैच दिनेश चौधरी फैम टीम सोना देवी टेमगर एंड मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 के बीच में। कल चौथा मैच होस्ट वकी स्पोर्ट इरफान भूरे फैम टीम और कैरेबियन के बीच में। कल पांचवा मैच दोस्तों आप देखेंगे संयुक्त स्पोर्ट और विनोद पाटिल फैम टीम आरडी 4440 के बीच में। और कल आखिरी मैच आप देखेंगे धनेश कुकसे और जय दुर्गा। मापोली ट्रॉफी और मराठा पंजाब को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं पहाड़े से अमर पाटिल ने। समय में आपकी शुभकामनाएं पहुंचाता हूं। सुनील कामले वैतालपाड़ा से कमेंट्री पैनल और अमोल पाटिल को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बेस्ट ऑफ लक का कमेंट्री पैनल को राजू कामले और मिथुन कामले ने। धन्यवाद आप दोनों का। इसी तरह उत्साह बढ़ाते रहिए प्रेम को कायम रख के। धनेश का मैच कब है? कल है। आखिर में जय दुर्गा से फुंडा से स्वप्निल सेलार और कैलाश सेलार ने जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ को ऑल द बेस्ट कहा है। फील्डिंग लगानी है जॉली स्पोर्ट्स कामदर, आपको तुरंत फील्ड सजानी है। टारगेट इस वक्त है मराठा पंजाब के सामने 60 रनों का टारगेट है। रुपेश पाटिल कामतगढ़ ने जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ को ऑल द बेस्ट कहा है। हमारे बीच में इस वक्त बिलाल भुरे जी आ चुके हैं, उनसे कहूँ सर आपको वीआईपी डाइस पे आना है। बिलाल भुरे जी, अजीत कारबारी ने न्यू इनकलाब खारबाओं के और जानता राजा खारबाओं ने इस वक्त मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है। आलमगीर शेख ने मापोली से मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है और मुबारकबाद दी है मापोली ट्रॉफी के लिए। निखिल गरत ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है। बैक टू क्रिकेट इज ओवर टू मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया भाभे सर। तो एक अच्छा टारगेट रखा है जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ ने मराठा पंजाब के सामने, 60 रनों का टारगेट है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आ चुके, बिलाल शेख और दानिश काजी। पहला ओवर लेकर आएंगे मोहिल।
पहली गेंद वहां पर देखना, इस गेंद को खेल दिया है इनफील्ड के ऊपर से चार रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आया इस वक्त बिलाल शेख के बल्ले से। ग्रेट शॉट फ्रॉम किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट। मैंने कहा कि इस ग्राउंड पे अगर सबसे अच्छे किसी बल्लेबाज के रिकॉर्ड हैं तो बिलाल शेख है। क्या शॉट खेला, ऑन दिया, मिड ऑफ ऊपर खड़ा था, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, चार रन। जी बिल्कुल भावे सर, मापोली ट्रॉफी 2017 में क्या बल्लेबाजी की थी बिलाल शेख ने। पहली गेंद पर इस वक्त खाता खुलता हुआ। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद रही थी, वहां पर एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज लेग बाय के रूप में स्कोर आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से 10 रनों पर, साहिल 5 रनों पर। साहिल कुदई और हमजा पटेल ने भी बिलाल को ऑल द बेस्ट कहा है। होता है मजहर खान, क्योंकि मापोली वाले खाना ही बहुत अच्छा खिलाते हैं। उसी बीच अच्छी गेंद वहां पर एक बार फिर से रही मोहिल की, थोड़ा दूर से खेला था इस बार दानिश ने और तेज कदमों के साथ एक रन पूरा किया वहां पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई स्कोर आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से 6 रनों पर। देखिए दानिश काजी को इसलिए भेजा है कि पावर प्ले का लाभ उठाना चाह रही है मराठा पंजाब। बिल्कुल भाभी सर, और दूसरा कारण ये भी है कि आपको तो पता ही होगा मापोली ट्रॉफी 2018 के फाइनल में किस तरह से बल्लेबाजी की थी दानिश ने। उसी बीच ये गेंद वहां पर मोहिल की ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, वाइट का इशारा आता हुआ इस वक्त एम्पायर अजीम हमदुल्ले का। इबाद मुल्ला ने वडोली कैंप से मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है। उसी बीच यहां पर पुल कर दिया और गेंद जाती हुई बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर बिलाल शेख के बल्ले से। देखिए क्या शॉट खेला है, घुटना टेक और सिक्सर देख। देखिए मैं सुबह ही कह रहा था कि बिलाल शेख, पिंटू पाटिल कुछ ऐसे बैट्समैन है, जब इनका दिन रहता है तो इनके सामने कोई भी गेंदबाज नहीं टिकता है। और कुछ ऐसी टीमें हैं जिसमें वकी स्पोर्ट मापोली भी है, लेकिन बढ़कर पाइनियर का जिस दिन दिन रहा, फिर अपोजिशन कौन सी है वो नहीं देखती है, और उस दिन तो फिर उनके सामने कोई भी नहीं चल पाता है। यही बिलाल शेख का है। हालांकि पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि लक फैक्टर बिलाल शेख के साथ कभी नहीं रहा है। आज भी हम वो रात का कैच नहीं भूल सकते हैं जिसपे बिलाल शेख आउट हुए थे। बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया इस वक्त बिलाल शेख ने। उसी बीच एक बार फिर से देखना इस गेंद को खेल दिया है कॉर्नर की दिशा में, वहां पर दो खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद जाती हुई बाहर 6 रनों के लिए। ऐसे ही थोड़ी कोई किंग ऑफ क्रिकेट बन जाता है। देखिए उतार चढ़ाव तो चलते रहता है हर बल्लेबाज का, हर टीम का, लेकिन क्लास देखिए उनका। ये देखिए फ्रंट लेग को अलग किया, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा, गेंद बल्ले से निकली तो लॉन्ग ऑन पे चली गई 6 रन। और उनके इतने फैन फॉलोअर है कि सबके मैसेज पढ़े भी नहीं जा सकते। और बाउंड्री के बाहर वहां पर डिंडा ने कैच पकड़ा भाभी सर, लेकिन इनाम अभी नहीं है। यस, अभी बाजिल पटेल ने चाबी खोली नहीं है। उसी बीच एक बार फिर से पंच कर दिया, इस बार कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, नहीं रोक पाएंगे इस बार भी, ये भी चले गई बाहर 4 रनों के लिए। दिस इज द क्लेवर बैटिंग फ्रॉम किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख। लास्ट वन वाज अ पंच वेरी हार्ड, लुक एट दैट मैक्स रूम एंड पंच ओवर द इनफील्ड, कपल ऑफ बाउंसेस क्रॉस द कवर बाउंड्री, डिलाइटफुल स्ट्रोक प्लेड बाय बिलाल शेख and very expensive over bowled by Mohil, given away 23 runs. क्या बात है, माली डीजे भी बिल्कुल गाने वैसे ही बना रहे हैं। किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट
भिवंडी क्रिकेट के राजा बल्लेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने मैसेज दे दिया दर्शकों को कि बिलाल शेख आए हैं। इस वक्त अपना राजू, हम सब का राजू, राजू ने ऑल द बेस्ट कहा है मापोली ट्रॉफी को और कमेंट्री फाइनल को। बिल्कुल, नागोरी अन्ना चावे ने बिलाल शेख को ऑल द बेस्ट कहा है। आजम पटेल और लाला भाई चटपटी वाले ने इस वक्त बिलाल शेख को ऑल द बेस्ट कहा है। बिलाल शेख के और मराठा पंजाब के इस इलाके में बहुत ज्यादा फैन फॉलोवर्स हैं। इमेज स्क्वायर फोटोग्राफी चावे की तरफ से मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट है और मापोली ट्रॉफी को। जय पाटिल गुंदोली ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है। भूषण मात्रे गुंदोली ने भी ऑल द बेस्ट कहा है। अनिकेत मात्रे और स्वम पाटिल ने खारबाव से मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है। धनराज दूसरा ओवर लेकर आते हो, जबकि पहला ओवर महंगा रहा था मोहिल का, जहां पर 23 रन आ गए थे। उसी बीच धनराज की ये गेंद देखना है, वहां पर क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, वहां पर बल्लेबाज दानिश ने पैरों पे लगने भर के बाद एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। देखिए आज वो स्ट्राइक ज्यादातर बिलाल शेख को दे रहे हैं जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। चिंतामन घरत काटे के माजी सरपंच और अशोक घरत जिला परिषद सदस्य ने इस वक्त मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है। मुजाहिद भूरे और कामिल भाबे, कामिल भूरे और मुजाहिद भाबे एमके बिल्डर की तरफ से 200 रुपए का इनाम है पर्दे के पीछे कैच पकड़ने पर। और जब बाजिल पटेल आ जाएंगे तो फिर 500 रुपए का इनाम भी शुरू हो जाएगा। शाही शेख आ चुके हैं जादूगर। उसी बीच इस गेंद को निकाल दिया है, ये गेंद जाती हुई बाहर बाउंड्री के 4 रनों के लिए। अच्छा एक बार फिर से बिलाल शेख के बल्ले से आता हुआ। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। वाकई में बिलाल शेख क्या मापोली ट्रॉफी में आई है तो रनों की बाहर आई है और चौकों की हैट्रिक पे आए हैं। अगर लगाते हैं तो बिस्मा कम्युनिकेशन मेराज पटेल की तरफ से घड़ी दी जाएगी। हालांकि कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जहां पे उनकी उंगली बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, उसके बावजूद वो अपनी टीम के लिए खेले थे। अब पूरी तरह से फिट नज़र आ रहे हैं और जब फिट नज़र आ रहे हैं तो हिट रहते ही हैं। वो अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए बिलाल शेख, इस बार फिर से खेल दिया उसी दिशा में और ये गेंद भी जाती हुई बाहर बाउंड्री के 4 रनों के लिए। चौकों की हैट्रिक करते हुए इस वक्त बिलाल शेख। बिस्मा कम्युनिकेशन के घड़ी को जीता है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आज वो, ये देखिए, ये स्वीप शॉट को देखिए, अनुमान देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए, घुटने को झुकाया, स्टीव स्मिथ के अंदाज में खेल दिया 4 रन। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बिलाल शेख? 3 सीजन ऐसा था कि पहला अर्धशतक बिलाल शेख के नाम था, लेकिन इस सीजन में अभी तक नहीं हुआ है। 17 अर्धशतक लगे हैं। इस बार कट करने की कोशिश की, वहां पर सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई थी, गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं। वाकई में नाम भूल जाएगा, चेहरा भूल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त, लगातार 4 गेंदों पर 4 बाउंड्री इस वक्त खेलते हुए बिलाल शेख।
इस बार कट करने की कोशिश की थी पॉइंट के ऊपर से, वहां पर बिलाल ने अच्छी गेंद इस बार होती हुई धनराज द्वारा। हालांकि धनराज बहुत तेज गेंदबाज है, लेकिन आज कहीं ना कहीं रफ्तार को कंट्रोल किया उन्होंने, लेकिन एक तरफा मुकाबला कर दिया बिलाल शेख ने। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बिलाल? 32 रन बनाए, 4 5 चौके और 2 सिक्सर। इस बार देखना इस गेंद को खेल दिया वहां पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और आउट हो गए इस वक्त बिलाल शेख। पहला विकेट गिरता हुआ मराठा पंजाब का बिलाल शेख के रूप में। बढ़िया बल्लेबाजी के बाद आउट हुए बिलाल शेख, 32 रन बनाए, टीम को लगभग जीत के दौड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। और मैंडेटरी पावर प्ले में बहुत ही पावरफुल बल्लेबाजी रही थी, अगेंस्ट द ब्रीज खेला था, हवा मुखालिफ सिम चल रही थी, ऊंचाई ज्यादा थी, कोई गलती नहीं और बिलाल शेख नाम का सुनामी थमता हुआ। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। ये वो लोगों की आवाज है जो मापोली ट्रॉफी देख नहीं रहे। सुनील कामले ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है। नए गेंदबाज इस वक्त श्याम चौधरी आए हैं। देखिए अगर पूरे BC4 फॉर्मेट को हम देखते हैं तो सबसे ऊपर नो डाउट एट ऑल जयेश पाटिल चल रहे हैं, उसके बाद कई नाम है, श्याम चौधरी है जिन्होंने अंडर 40 की कई इनिंगे खेली है, उसके बाद कई बैट्समैन है जो बहुत अच्छे टच में, और आजकल अकबर पाइनियर के बहुत ही घातक बैट्समैन बनते जा रहे हैं जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की थी MIM ट्रॉफी में। वैभव पाटिल बहुत अच्छे टच में, सूरज केने अच्छे टच में, पवन भी अच्छे टच में, युतिका के साथ ही साथ फाइक अंसारी भी अच्छे टच में, बहुत नाम है, लेकिन टॉप पे नो डाउट एट ऑल जयेश पाटिल ही चल रहे हैं इस सीजन में। बोलना 36 रन 36। ये अमोल पाटिल है, पहली गेंद बहुत ही अनुभवी डाल दी थी वहाँ पर लेग बाय मिलता हुआ, एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ मराठा पंजाब का पहुँचा है 37 रन, लक्ष्य 60 रनों का है। मैच अभी भी बिलाल शेख के आउट होने के बाद वापसी करने की कोशिश कर रही है जॉली स्पोर्ट कामतकर। अमोल पाटिल जिन्होंने अंजुमन ट्रॉफी में 8 विकेटें हासिल की थी, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाइयों का उपयोग और क्या फील्डिंग किए, जंप लगा के रोका है मोइल ने। हालांकि मोइल ने इस सीजन का सबसे अच्छा कैच पकड़ा था जॉय कुमार ट्रॉफी में छलांग लगाकर मिड विकेट बाउंड्री पर। 2 रन से श्याम चौधरी का खाता खुलता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 39 रन। स्विच हिट की कोशिश, बॉल अमोल पाटिल के सामने, इस तरह आप शॉट नहीं खेल सकते और अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने की कोशिश में श्याम चौधरी बोल्ड होकर जा रहे हैं। पाटिल के बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि एक्सपीरियंस इज द नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट आल्सो बेस्ट फीचर। निश्चितच भावे सर, जर आपण पाहिले तर अप्रतिम गोलंदाजी आहे
आणि अनुभव काय असतो तो मात्र मोल पाटील यांनी सिद्ध केलेला आहे. अप्रतिम गोलंदाजी, 39 धावा फलकावरती आहेत आणि 2 विकेटचं बदन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळेल. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं मुनाफ शेख, बूम बूम मुनाफ शेख, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि जो मुनाफ शेख है ना, ये जब भी आते हैं ऑडियंस के दिलों पे छा जाते हैं. निश्चितच बऱ्याचशा क्रिकेटपटूंचे आपण जर पाहिले तर फॅन फॉलोअर खूप मोठे आपल्याला पाहायला मिळतात आणि जास्तीत जास्त करून अभिमानाची गोष्ट म्हणजे हवे सर, जर आपण पाहिली तर भिवंडीचे क्रिकेटपटू आपल्याला खूप उंचीवरती पाहायला मिळतात. बिलकुल, 10 PL जो होणे जा रहा 8 मार्च से, उसमें भिवंडी के क्रिकेटर्स फिर से अपने जलवे बिखेरेंगे. अमोल पाटिल मुनाफ को अच्छा ड्राइव टर्न कर दिया ऑन साइड में, वाइड ऑफ डीप मिड ऑन, 1 रन. स्कोर आगे सरकता हुआ मराठा पंजाब का 40 पे पहुंचा है. सुनील कामले ने वैतालपाड़ा से मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. इस मरतबा स्विंग करना चाहते थे, अच्छी गेंद थी, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा था, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं अमोल पाटिल. इस सीजन में अमोल पाटिल की जो गेंदबाजी है वो देखने लायक है. चावे से अपला राजू ने मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है. देखना है कुछ फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है बैट्समैन दानिश काजी के लिए. इस मरतबा अपील और आउट, वहां पे हो गए दानिश काजी. बहुत बढ़िया ओवर अमोल पाटिल का, 2 झटके दिए और टीम को वापस मैच में खींचा है. आइए देखते हैं. यस, स्ट्रोक क्रेशर विकटों के बिल्कुल सामने, बढ़िया निर्णय अंपायर अजीम हमदुल्ले का. शनिवार होना चाहिए, रविवार को पकड़े तो 2 दिन काम चले, 5 दिन छुट्टी. मुनाफ शेख को इस वक्त शीति पुलिस चावे ने ऑल द बेस्ट कहा है. बहुत अच्छा ओवर रहा था, अपनी टीम को वापस खींचा है अमोल पाटिल ने. कितने रन दिए पिछले ओवर में, 4 रन और 2 विकेट. 3 ओवर में रन बने मराठा पंजाब के 40 और 3 ओवर में 20 रन चाहिए. विकेटों को हम देखें तो 3 विकेटें अब तक गवाही है. धन्यवाद भावेश सर. जर आपण पाहिलं तर एक महत्त्वाची बातमी आपल्यापर्यंत येते. सन्माननीय स्वर्गीय हेमंत पाटील साहेब खारभाव यांची सुकन्या या तन्वी पाटील यांची भिवंडी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदी बिनविरोध निवड झालेली आहे. त्यांना मापोली ट्रॉफी व समस्त मापोली यांच्या ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांना हार्दिक शुभेच्छा. यस, अपने शोबे में अच्छा काम करें यही शुभकामनाएं दी जा रही हैं उनको, आगे बढ़े. खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए धनराज सामना करेंगे मुनाफ शेख. इस मरतबा छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल, गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 41 रन, 17 गेंदे 19 रन. हेलो,
इस वक्त डॉक्टर अरफात पटेल और डॉक्टर अरबाज ठानवाल दोनों मापोली के बच्चे हैं, उन्होंने 3-स्टार ग्रुप को और मापोली ट्रॉफी को मुबारकबाद दी है। खारगढ़ में यूट्यूब पे मैच देख रहे हैं। गेंदबाजी करते हुए धनराज सामना करेंगे आतिश पाटिल, रन मशीन। इनके नाम जो कीर्तिमान है वो शायद ही कभी टूटे। लेट गोपीनाथ मुंडे का आखिरी ओवर 2015 हुक किया है आतिश पाटिल ने, फील्डर है और आतिश पाटिल आउट। ये देखिए ज्यादा घूम नहीं पाए थे और बड़ा झटका लगता हुआ चौथा विकेट गिरा है। आतिश पाटिल शून्य का चश्मा पहन के लौटते हुए, बिलाल शेख के आउट होने के बाद जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ ने पलटवार किया है। अब सभी स्टैंड भरते जा रहे हैं। अगला मुकाबला जहां पर ब्लैक कैप शाही शेख फैम टीम ने टॉस जीता है और नीलेश देसले फैम टीम, जहां पे पड़गा परिसर के तमाम सितारे हैं, बंटी स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी की दावत दी। ये नहीं भूलना चाहिए कि बंटी स्पोर्ट ने सीएम कप एमआईएम ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तर विनंती असेल रुपेश यांना, पण थोडंसं सीमारेषेच्या थोडंसं मागे उभं राहावं। सर्व खेळाडूंना विनंती असेल थोडंसं मागे उभं राहा। आपण कार्तिक पाटिल ने ऑल द बेस्ट कहा है इस वक्त मराठा पंजाब को। बाउंड्री के पीछे खड़े रहना है, खासतौर से हमारे जो खिलाड़ी हैं। मुनाफ शेख टीम के कैप्टन सामना करते हुए धनराज का भरपूर कोशिश हो रही है। जॉली एक बहुत ही किलर स्ट्रिक टीम है, कभी भी मैच को छोड़ती नहीं है। सुनहरा दौड़ रहा था जॉली का 2011 से 2014, इस मरतबा ऑफिस हिप्स खेला है, हवा में जरूर है, फील्डर नहीं है, डीप से खिलाड़ी आए हैं। मोती एक रन बनता हुआ स्कोर में, अच्छा उछाल था गेंद में और बहुत ही अटपटे अंदाज से ऑफिस हिप्स खेला था मुनाफ शेख ने। एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 42 रनों पे पहुंचा है मराठा पंजाब का। ओवर नंबर 4 चल रहा है और यहां से 15 गेंदे हैं और 15 गेंदों में जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 18 रन। प्रत्येक चेंडू मागे जर विचार केला तर एक विनिमय पूर्ण असा संदेश गोलंदाजाला दिला जातोय, कारण की माहिती आहे दोन्ही संघांना हा सामना किती महत्त्वाचा आहे। धनराज आलीरा स्कूल एंड की तरफ से मुड़ते हुए जो दूर वाला छोर है, सामना करेंगे बैट्समैन साकिब खान। इस मरतबा कलाइयों का उपयोग, टर्न कर दिया गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ, एक रन बनता हुआ, एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 43 पे पहुंचा है। 4 विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा छोटी बैकलीफ पे आ गए बल्लेबाज। बिलाल शेख ने क्या बल्लेबाजी की इस ग्राउंड पर, वैसे भी वो बहुत ही सुपर हिट बल्लेबाज हैं। नितेश तात्या और भुईर ने इस वक्त कमेंट्री पैनल और मापोली ट्रॉफी को शुभकामनाएं दी। धनराज इस मरतबा खड़े खड़े गेंद को खेल दिया है, बूम बूम 6। देर लगी लेकिन मुनाफ शेख के बल्ले से बूम बूम 6 आ ही गया। या षटकाराने निश्चितच प्लस पॉइंट म्हणावा लागेल मराठा पंजाब या संघाला, 49 धाव फलकावरती आपण पाहतो। मच्छिंद्र घरत हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, निवेदन है मंच पे आना है। मच्छिंद्र घरत इस मरतबा छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल, सेंसिबल क्रिकेट, टर्न कर दिया ऑनसाइड में, दूसरे की कोशिश मना किया मुनाफ ने।
बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के कैप्टन, छोटी बैकलिफ से टर्न किया था, 50 रन पूरे हुए हैं, 12 गेंदों में 10 रन चाहिए मराठा पंजाब को। मच्छेंद्र घरत नेताजी सुभाष के महान ओपनर और बहुत मशहूर क्रिकेटर काटई के हमसे जुड़ चुके हैं। एक्स क्रिकेटर नेताजी सुभाष के लिए ओपन किया करते थे मच्छेंद्र घरत, जब संजय टावड़े, शंकर टावड़े, फरूख मुन्ना, बाला सीनियर और मच्छेंद्र घरत, ये जो पांच नाम थे ये कई साल तक चले थे। तर स्क्रीनवरती आपण पाहू शकता निश्चितच सुंदर असं निसर्गरम्य वातावरण। ओहो क्या खूबसूरत झाड़ियां हैं, खुशी के रुत में गम की बदलियां अच्छी नहीं लगती, हंसी चेहरे पे ये झुरियां अच्छी नहीं लगती, मेरी यादें भुला दी अच्छा किया तूने, क्योंकि हरे जंगल में सूखी पत्तियां अच्छी नहीं लगती। बहुत ही सराउंडिंग हम देखते हैं मापोली क्रिकेट ग्राउंड के, तो बहुत खूबसूरत सराउंडिंग है। पालक ने से मंदार पाटिल ने मापोली ट्रॉफी को शुभकामनाएं दी है, अमोल पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है। इस मरतबा बहुत ही कड़ा राउंड ड्राइव कैप में गोली की रफ्तार में मुनाफ शेख के बल्ले से 4 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा फ्लिक कर दिया, एक और चौका, मुनाफे के मानते नहीं। पे बांधने की तैयारी की है, क्या मुनाफ भी बांधेंगे? एक सवाल है, अगर यहां सिक्सर लगा तो क्या? राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मरतबा गेंद को आने दिया, धीरे से टैप किया, लेग कटर थी, एक रन, ओवर थ्रो हुआ है वहां पर, गेंद पीछे निकली है लेकिन रन नहीं लिया है, ये अच्छा क्रिकेट नहीं है, दिस इज नॉट अ फेयर क्रिकेट। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, साकिब खान को रन लेना चाहिए था। अगदी बरोबर, कारण की धाव घेणं गरजेचंच होतं, एक रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। जयेश चौधरी ने अनगांव से मराठा पंजाब को ऑल द बेस्ट कहा है। इसके साथ ही फ्लिक किया गेंद को मैदान के बाहर, 6 रन, विनिंग शॉट साकिब खान के बल्ले से। कॉन्ग्रेचुलेशन मराठा पंजाब, योगेश भोईर एंड द मास्टरमाइंड एडवोकेट राजेश पाटिल एंड जीतू गावली एंड द कैप्टन ऑफ मराठा पंजाब मुनाफ शेख, बिलाल शेख एंड ऑल टीम एंड हार्ड लक अमोल पाटिल, हार्ड लक नियार एंड हार्ड लक जॉली। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच, दो खिलाड़ी थे, एक तो थे किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख और एक है मुनाफ शेख, लेकिन ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया मुनाफ शेख ने, 19 रन नट आउट बनाए, एक ओवर में 2 विकेट लिए, तो मैन ऑफ द मैच है बूम बूम मुनाफ शेख, द कैप्टन लीडिंग फ्रंट।
और आइए हम आपको शमुन पटेल के हाथों से मोहतरमा अख्तरी आसिफ टनवाल की दी हुई ट्रॉफी दे रहे हैं। और बिलाल शेख आपको ऊपर आना है। बिलाल शेख, यस, ऑल द बेस्ट। मुनाफ, किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट, बिलाल शेख।